तो वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बार बार समन भेजे जाने पर ईडी से तलब किया है। कोर्ट ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया। दरअसल ईडी ने 17 मार्च को दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल को 9वां समन भेजा था। उन्हें पीएमएलए के तहत पूछताछ के लिए 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया। केजरीवाल 19 मार्च को समन के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे थे। ईडी ने शराब नीति केस के साथ दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर केस में भी केजरीवाल को समन भेजा था। ये इस मामले में दिल्ली सीएम को मिला पहला समन है। जल बोर्ड केस में उन्हें 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं गए। शराब नीति केस में केजरीवाल को इस साल 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी और 2023 में 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेजा गया था। हालांकि वो एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं गए। वहीं अब इस मामले पर कई मंत्रियों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। सुनिए क्या कुछ कहा। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी बार बार समन्स भेज रहा है, इन समन्स को चैलेंज करने के लिए। ये समन्स कानूनी है कि गैर कानूनी है, इस पर फैसला करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने हाईकोर्ट मूव किया। ईडी ने इस पिटिशन का बहुत विरोध किया। ईडी ने हाईकोर्ट से बार बार कहा कि इसको खारिज किया जाए, लेकिन ईडी के पुरजोर विरोध के बाद भी हाईकोर्ट ने इस मैटर को सुनने का निर्णय लिया है। उन्होंने ईडी को नोटिस दिया है और ईडी को अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में जवाब देना होगा। केजरीवाल को कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला और ये केजरीवाल खुद ईडी के सम्मन को अवैध बताते थे और खुद ही कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने आज उनको आईना दिखा दिया कि आप कानून से बड़े नहीं हैं। आपको जांच एजेंसी का सामना भी करना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। तो मैं अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं से कहता हूं कि अब झूठी बहानेबाजी छोड़िए, जांच का सामना कीजिए, कोर्ट में पेश होइए।